हुआ और पूरा इलाका धमाके की आवाज से थर्रा उठा। ये धमाका ऑक्सीजन सिलेंडर का था। देखते ही देखते धमाके की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए विस्फोट के दौरान वहां काम कर रहे एक युवक के चिथड़े उड़ गए। आसपास के लोग धमाके के बाद सहम गए। सेतु निगम की इस कार्यशाला में लोहे के गाटर मोटी चद्दरों को काट कर बनाए जाते हैं। हादसे के समय संजय भी चादर काट रहा था और सिलेंडर बदलते ही धमाका हो गया और विस्फोट में संजय की मौके पर ही मौत हो गई। विस्फोट इतना जोरदार था कि सिलेंडर के टुकड़े सैकड़ों मीटर दूर तक जा गिरे। फिलहाल इस घटना में लापरवाही सामने आ रही है और घटना के बाद से ही ठेकेदार फरार है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर खटीमा में झनकैया मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले का उद्घाटन खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी ने किया। सांस्कृतिक रंग में रंगे इस मेले का आयोजन हर साल शारदा नदी के तट पर किया जाता है। इस मेले में भारत और नेपाल के परंपरा के मुताबिक पहले दिन भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है, वहीं दूसरे दिन मेला नेपाल के रंग में रंग जाता है। यहां हर साल हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। भारत नेपाल की सीमा पर आयोजित किए गए इस मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक सेंट्रो कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोनी के बेटा हाजीपुर निवासी शकील अपने भतीजे फरमान के साथ दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से घर लौटते वक्त सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर बेटा हाजीपुर के पास नहर में जा गिरी और दोनों की मौत हो गई। रात होने के चलते किसी को हादसे का पता नहीं चल सका। सुबह जब परिजनों ने दोनों की खोजबीन शुरू की तो घटना का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश भर में गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व यानी जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व यानी जन्मोत्सव आज पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब का भव्य दीवान हाल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। सुंदर पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया था। इस दौरान रागी जथा भाई जसकरण सिंह जी पटियाला वाले ने अपने मधुर वाणी में कीर्तन गाकर वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इसके साथ गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुंबई हार के बाद अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। कोलकाता में माही कभी पिच को लेकर तो कभी सिलेक्शन को लेकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। माही की मनमानी देखकर लगता है कि शायद चयनकर्ताओं की भी माही के आगे नहीं चलती। लेकिन माही साहब, आप जो माइंड गेम खेल रहे हैं वो कहीं आप पर ही भारी न पड़ जाए। माही ने भज्जी को टीम में बरकरार रखते हुए कोलकाता की विकेट पर टर्निंग ट्रैक मांगा। वहीं कोलकाता के पिच क्यूरेटर ने माही की इस मांग को नकार दिया जिसका खामियाजा क्यूरेटर को भुगतना पड़ा। क्यूरेटर को 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। माही ने एक बार फिर टेस्ट मैच के लिए टर्निंग ट्रैक मांगा है, लेकिन देखना है कि मुंबई में लच्चर प्रदर्शन के बाद भारतीय स्पिनर्स कोलकाता की विकेट पर क्या कमाल करते हैं। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने युवाओं को मौका दिए जाने की वकालत की है। साथ ही मैरीकॉम ने असम बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रयासों की जमकर तारीफ की है। मुक्केबाजी में अपनी पंच का लोहा मनवा चुकी मैरीकॉम अब भारतीय मुक्केबाजी की नई पौत को तैयार करने में जुट गई हैं। मैरीकॉम ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनका भविष्य उज्ज्वल बताया है। मैरीकॉम ने माना कि नए दौर में युवाओं के पास बेहतर सुविधाएं और मौके हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल,
2,60,000 रुपए प्रति किलो रू केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। जब औलाद जिद पर अड़ जाए, माँ बाप से ही उसके रिश्ते बिगड़ जाए, तब करें कौन सा उपाय? देखिए पंडित वैभव नाथ शर्मा के साथ आपकी सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार 10 पर। आज ली क्या? Interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वीटी, हेलो डार्लिंग, बड़े चाव से खा रही हो? लो लो लो, किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप में इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इस पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। बहू, क्या सोच रही हो? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है।
पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए, या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट, सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आजम को दी चुनौती, कहा फैजाबाद दंगों की सीढ़ी सार्वजनिक करे सरकार, अगर सीढ़ी बनी तो जाहिर है कि सुनियोजित थे दंगे। फरुखाबाद में 45 लाख की हीरोइन बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी पर बीएसपी का झंडा लगाकर तस्करी करते थे आरोपी। बुलंदशहर मॉरल किलिंग मामले में नया मोड़, महविश ने प्रशासन पर लगाया बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप, हत्याकांड का मुख्य आरोपी अलीगढ़ से गिरफ्तार। कानपुर पुलिस पर आरोप, घर में घुसकर कपड़े फाड़ने वालों पर दर्ज किया केवल मारपीट का केस, दबंगों को बचाने में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री खजान चंद्र कुमार ने आए पांच अपराधी चढ़े एसटीएफ के हत्थे, हल्द्वानी के बिल्डर ने दी थी 10 लाख की सुपारी। नामधारी को अध्यक्ष बनाने पर निशंक की सीना जोरी, कहा मैंने अगर बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष तो बहुगुणा सरकार ने क्यों नहीं हटाया। देहरादून में वसंत विहार के रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, सात लड़कियां और चार लड़के गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। पटना की सुपर 30 की तर्ज पर गाजियाबाद में सुपर 50 का आगाज, गरीब परिवारों के बच्चों को दी जाएगी मुफ्त कोचिंग। दिल्ली वृंदावन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत, मथुरा के सांसद जयंत चौधरी ने दिखाई हरी झंडी, केवल 45 मिनट में दिल्ली से मथुरा आ सकेंगे श्रद्धालु। और वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर समेत कई शहरों में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली, हजारों दीयों की रोशनी से जगमग हुआ वातावरण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवकी, एक बार फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो लेकर, जिस शो में आपके लिए है मस्ती का हर डोज और साथ ही हंसी की फुल गारंटी। इसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो, देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, सुदेश हैं जोकानंद बाबा के गेटअप में, कृष्णा बने हैं चुटकलेश्वर और हार्ड कौर हैं शिष्या। अब ये बाबा भक्तों की समस्याओं का किस तरह से हल बता रहे हैं, वो भी कितने मजाकिया अंदाज में, आइए आप भी देखिए। आज जो हमारे बीच बाबा आए हैंगे, छी छी छी, 2011 जो का
गजानन महाराज जी होंगे। बाबा जो है ये छोटे मोटे बाबा नहीं है। यहां क्या देख रहे हैं बे?